हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए मेरे पीछे वाइट तारा माता, इसलिए आज मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और छोटा सा क्वेश्चन कि हमारे कभी कभी सोलमेट कार्मिक क्यों हो जाते हैं और हमारे कार्मिक सोलमेट क्यों हो जाते हैं, स्पेशली आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। जब आपके हस्बैंड कार्मिक हो और उनका नेचर बदलने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपने इतनी मेहनत करी है कि आपके ऑरा में वो भी अवीकन हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। बट कभी कभी आपके सोलमेट कार्मिक की तरह व्यवहार करने लग जाए तो भी घबराइए मत, क्योंकि हर सोल की हायर सेल्फ ये जानती है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए बने हो। और कहीं ना कहीं सोलमेट से अटैचमेंट के कारण कहीं आप ये अपने ट्विन फ्लेम को चुन ना पाओ, आपके जो सोलमेट्स होते हैं ना आपको ट्रिगर करते हैं, आपको बार बार पुश करते हैं, जाओ गेट अवेकन, मेहनत करो और अपने ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन करो। इसलिए कभी कभी आप लोग सोचते हो कि अचानक मेरे हस्बैंड को जो इतने सोलमेट थे क्या हो गया, वो ट्रिगर क्यों होते हैं, ट्रिगर क्यों करते हैं, अब इन्हें आजकल क्या होने लगा है, क्योंकि वो आपको पुश कर रहे हैं। वो अंदर से नहीं जानते, उनकी हायर सेल्फ जानती है कि आप अपने ट्विन के लिए बने हो। वो आपको पुश करते हैं अपने दुर्व्यवहार के साथ, वो आपको पुश करते हैं अपने ट्रिगर्स के साथ, जो आपको बार बार आपका हौसला जगाता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपने ट्विन फ्रेम के लिए बनी हूँ। जय तारा माता, जय तारा माता। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। लव यू ऑल और ट्रस्ट यू ऑल।